भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जो टॉप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 8 है। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम्स है जैसे SSC CGL वीडियो रेलवे और भी जो अन्य एग्जाम्स है उसमें ये पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था और गोत्र शब्द का अर्थ क्या है, गोष्ठ, मतलब कि वह स्थान जहाँ समुच्चे कुल का गोधन पाला जाता था और जो गोत्र प्रथा की स्थापना थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूतक मूलतः पाया जाता है। तो आपका आंसर है ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। तो आपका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। देखिए, जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का दूसरा स्थान है। देखिए, कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। जो पुरुष मेध का उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो आपका आंसर है गाय को। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था और जो ऋग्वेद काल में जो गायें होती थी वो विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूतकों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। ये जो कुशीनगर जिला है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, जो महापरिनिर्वाण मंदिर में स्थापित जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी और जो ये मंदिर है ये विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है और इस मूर्ति को लेटी हुई अवस्था में रखा गया है और ये जो मूर्ति है वो उस काल को दर्शाती है जब 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो आपका आंसर है सुभद्र। देखिए, जो गौतम बुद्ध जी थे वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे और यहाँ पर शुकर माधव भोजन खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहीं पे कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो आपका आंसर है बौद्ध गया। देखिए, जो पवित्र बौद्ध स्थल बौद्ध गया है यहीं पर गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो ये बौद्ध गया स्थल है ये बिहार में है, ये तो आपको पता ही है। देखिये, जो आधुनिक काल की जो फाल्गु नदी है इसी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। ये जो नदी है ये दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो आपका आंसर है राजगीर में। देखिए, बिहार की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है। ये जो स्तूप है इसकी ऊंचाई 125 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 118 फीट है और जो इसके गुबंद का व्यास है वो 65 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। तो आपका आंसर है जहां आरा को। तो औरंगजेब ने बेगम जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। देखिए, जो बेगम जहां आरा थी ये शाहजहां और बेगम मुमताज महल की बड़ी बेटी थी और ये औरंगजेब की बड़ी बहन थी। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो आपका आंसर है ललित विस्तार पर। जो सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक थी द लाइट ऑफ द एशिया ये ललित विस्तार पर आधारित है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1889 ईस्वी में लंदन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो आपका आंसर है अलप्तगीन। अलप्तगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो आपका आंसर है अल बरूनी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था और जो इसकी किताब थी किताब उल हिंद, इसी से भारत की सामाजिक और संस्कृति स्थिति की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो आपका आंसर है जयचंद को। जयचंद को राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था और जो ये चंदावर का युद्ध था ये 1194 ईस्वी में हुआ था और जो ये जयचंद थे ये कन्नौज के गढ़वाल के राजा थे। इन्हीं को मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में हरा दिया था और ये जो चंदावर स्थान है ये फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है एक और इस मस्जिद का जो निर्माण था वो ऐबक ने करवाया था अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? देखिए जो कुतुब मीनार का निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था और जिसका निर्माण कार्य था वो इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ और फिरोज तुगलक के शासन काल में इसकी जो चौथी मंजिल थी उसको काफी नुकसान हुआ था, जहाँ पे फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं था? ग्यासुद्दीन तुगलक का। तो हमारा आंसर आ जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो आपका आंसर है कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन के स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग निर्माण किया था और किसके टाइम पे किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और कब किया था? 1503 ईस्वी में। जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे ये पुर्तगालियों के उस समय गवर्नर थे और अंजीव द्वीप में और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का जो निर्माण था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांदी वंश के युद्ध में, तो वांदी वंश के युद्ध में किसने किसको हराया था? तो आपका आंसर है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांदी वंश के युद्ध में। ये जो वांदी वंश का युद्ध हुआ था ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वो सर आर्यकूट ने किया था और जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व था वो काउंट डी लाली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था और जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की गई थी और जो वारेन हेस्टिंग थे ये 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। जो लॉर्ड कार्नवालिस था ये 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी और फिर ये 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और जिसकी मृत्यु है वो 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी और यहीं पे इसकी कब्र भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो आपका आंसर है अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर जो हस्ताक्षर है वो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर। जो अंगल नेपाल युद्ध था ये 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक चला था और ये जो युद्ध था ये 1816 ईस्वी में संगोली की संधि से समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। देखिए जो दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु जो व्यवस्था लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था उसके जो जन्मदाता थे वो सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु के 12 जिले में इस व्यवस्था को लागू किया था और इसके बाद ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये मद्रास बम्बई असम और कोलकाता में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? अगर आपने हमारे पहले लेक्चर देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। लॉर्ड एलेनब्रो के टाइम पर अवध का विलीनीकरण हुआ था? गलत है, क्योंकि लॉर्ड एलेनब्रो के टाइम पर सिंध का विलीनीकरण हुआ था, जो कि 1843 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर सिंध का विलीनीकरण, ये तो गलत है, क्योंकि इसके टाइम पर अवध का विलीनीकरण हुआ था, जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेल्जली के टाइम पर चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है, और ये जो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध था ये 1799 ईस्वी में हुआ था। सर जॉन शोर के टाइम पर तृतीय आंगला मराठा युद्ध हुआ था? गलत है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था तृतीय आंगला मराठा युद्ध, जो कि 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चला था। सर इसमें हमें एक सही चुनना था कि इसमें से सही कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी लॉर्ड वेल्जली, जिसके टाइम पर चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स इसके अगले लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाले जॉब्स के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और साथ ही उनकी तैयारी भी कराई जा रही है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।